Hi guys, Mehu Dibba Parik and welcome to Learning Laws. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल इसके पहले हम जनवरी फेबर मार्च के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं तो ये जो स्लाइड है ये जो पीपीटी है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल है जो कि करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लॉ रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं तो चलिए हम आज की क्लास के साथ शुरू करते हैं द फर्स्ट डे इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट होता है सेकेंड अप्रैल को हम इस डे को ऑब्जर्व

रेटिव कंट्रीब्यूशन एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब आते हैं हमारे

नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे पे दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है सेवेंथ अप्रैल को वेरी इंपॉर्टेंट और इस दिन हम क्यों सेलिब्रेट ये दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड हेल्थ डे बिकॉज सेवेंथ अप्रैल के दिन ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टेब्लिशमेंट हुआ था कहा है इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा में है इस साल थीम क्या थी इस साल थीम थी हेल्थ फॉर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां से हमें क्या क्या याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ डे की हमें डेट याद रखनी है थीम याद रखनी है और उसका हेडक्वार्टर कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हमें ये भी याद रखना है जो कि जेनेवा में है देखिए इसी तरीके से हम लोग जीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं वह बच्चे मुझसे पूछते हैं कि करंट अफेयर हम कैसे प्रिपेयर करें तो देखो हमने एक डे उठाया जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे उसमें से हमें कितने सारे आंसर्स मिल गए हमारे क्वेश्चन के अब आते हैं नेक्स्ट डे पे यह है जलियावाला बाग मसाइकर

वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रखना उसके बाद उसके बाद वो जो प्रिमाइसिस है जलियावाला बाग की वहां पर एक वेल well हुआ करता था अभी भी है वहाँ पर एक वेल well होता था जहाँ पर जिसमें कूदकर इनोसेंट लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी उस वेल well का नाम रख दिया गया है मार्टियर्स वेल एंड आल्सो एक रीसेंट करंट अफेयर्स ये है कि हमें सबको पता है जलियावाला बाग रिस रेनोवेट हुआ था गवर्नमेंट ने उसे रिनोवेट किया है वहाँ पर एक जलियावाला बाग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है तो ये इनोग्रेशन कौन से ईयर में हुआ था टू में हुआ था इसी के साथ हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे का जन्म हुआ था डॉक्टर बी आर अंबेडकर को किस किस नाम से पहचाना जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज मोस्ट पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दूसरी बात यह कि बहुत बार पूछा जाता है बाबा साहेब किस इन्हें बुलाते थे तो डॉक्टर बी आर को फ्रांडली लोग बाबा साहेब भी बुलाते थे हम क्यों जयंती ताकि लोगों अपने अपने लो लो, ता, लो तक उनके प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स पहुंचे और हम उसे एक्सेप्ट कर सके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके ऑल्सो इनसे रिलेटेड एक और जी के क्वेश्चन है वो ये जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रही थी तब स्टेब्लिश हुई थी एक ड्राफ्टिंग

सके थीम क्या थी इस बार हेरिटेज चेंजेस ऐसी थीम क्यों थी बिकॉज अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे जो हैं हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं कल्चर हेरिटेज है culture, heritage, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज और उसका इफेक्ट रिलेशन दिखाने के लिए कल्चर हेरिटेज के लिए और हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम हमारे हेरिटेजेस को प्रिजर्व कर सके कंजर्व कर सके इसके लिए इस साल थीम थी हेरिटेज चेंजेस डेट इज ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट डे इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे नॉट सो इंपॉर्टेंट बस अगर आपको याद रहे तो आप याद रख लीजिएगा इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ इज नेशनल पंचायती राज डे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये फर्स्टली सेलिब्रेट होता है ट्वेंटी फोर्थ अप्रिल को डेट आपको याद रखनी पड़ेगी दूसरी बात क्यों सेलिब्रेट होती है बिकॉज इसी दिन ट्वेंटी फोर्थ अप्रिल के दिन ही फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में थ्री में थ्री आपको इतना याद रखना जरूरी नहीं है ट्वेंटी फोर्थ एप्रिल आप याद रखना कि फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम ट्वेंटी फोर्थ अप्रिल को हुआ था स्टैब्लिश और इसीलिए हम लोग नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं अब ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है तो देखो जो बिग लेवल पर जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को ही ले लो बिग लेवल पर वो लोग जब भी, भी कोई प्रोग्राम या स्कीम लॉन्च करते हैं तो जो रूरल एरियाज है ना वहां पर लोगों के पास इतने ज्यादा अब जाकर थोड़े से लोगों के पास टेक्नोलॉजी आने लगी कि सबके पास फोन वगैरह है पर स्टिल लोग होते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं होता और अगर सपोज उन्हें पता भी है कि गवर्नमेंट ने क्या स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च लॉन्च किया है बट उन्हें यह नहीं पता होता उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्हें कहाँ जाना होगा इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए या उसका फायदा लाभ लेने के लिए ठीक है तो बेसिकली पंचायत और इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं वो ऐसे ही रूरल एरियाज में जाते हैं होते हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश ऑलरेडी वो होते हैं और वो उनका काम ये होता है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च करती है वो उसे उन रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट करवा सके दैट इज ऑल अबाउट इट तो इस साल जो नेशनल पंचायती राज डे हमने सेलिब्रेट किया अप्रैल को उसका थीम क्या था सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशियंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज दैट इज ऑल अबाउट इट अब आते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे पे हमें इसकी थीम इंपॉर्टेंटली याद रखनी है 26 अप्रैल को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं थीम क्या थी विमेन एंड आईपी पी एसिलेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी The आयुष्मान भारत दिवस और ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल सो आयुष्मान भारत दिवस कब हम सेलिब्रेट करते हैं कब हम ऑब्जर्व करते हैं 30th अप्रैल को करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा अभी आयुष्मान भारत क्या है तो आयुष्मान भारत के अंदर क्या है बहुत अंडर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज को उनके लिए वो लोग उसे अफोर्डेबल बना सके ठीक है तो इसीलिए मेडिकल फैसिलिटीज को अफोर्डेबल बनाने के लिए आयुष्मान भारत जो है वो बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती हैं और थर्टीथ अप्रैल को हम लोग आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट करते हैं इस साल थीम क्या थी इस साल थीम थी स्वस्थ स्वास्थ्य अमृत सॉरी एम सो सॉरी इस साल थीम थी स्वास्थ्य अमृत दैट इज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ अप्रैल इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जनवरी फेबर मार्च अब अप्रैल भी हो गया ऐसे ही करके धीरे धीरे हम लोग 2023 थाउजेंड ट्वेंटी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो इवेंट्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं उन्हें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे ही डिस्कस आपके साथ करते जाएंगे तो आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं आपसे अगली क्लास में